टाइट एंड बिजी शेड्यूल यू हैव टेकन आवर टाइम फॉर अस, ये ऐसा होता नहीं है। मेरी मुलाकात ममता जी से अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली में हुई और इन्होंने एक ऐसी बात कही जो मैंने कभी इससे पहले सुनी नहीं थी। कहने लगी कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, मेरी पॉलिटिकल लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे सबसे मीटिंग होनी है, YPO में जाना है, लेकिन मैं आपके शहर में जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर के लोग हैं, फिल्म के लोग हैं, TV के लोग हैं, जो सेंसिटिव एक्टिविस्ट हैं, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मिलने, लेकिन यू विल बी कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड, वो तो वैसे ही आपके फैन हैं। तो कहने नहीं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उनसे मिलूँ। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इससे पहले हमको किसी ने इस तरह की फरमाइश की है कि इन लोगों से मिलना है। यहाँ इधर की आमतौर से तो छतों में हजारों और लाखों लोग होते हैं और ट्रकों में और बसों में भर के आते हैं, लेकिन उन्हें कहावत है कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये बंदे वो हैं जिन्हें आप तोल सकती हैं, बड़े भारी। इनमें से हर एक जो है, एक एक इंसान जो इस छत के नीचे बैठा है, वो अपने काम का मास्टर है। यहाँ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ राइटर्स हैं, यहाँ म्यूजिशियन हैं, यहाँ सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं जो बरसों से काम में लगे हुए हैं, जैसे यहाँ मेधा जी बैठे हैं, वहाँ जावेद आनंद साहब बैठे हैं, तो हर तरह पेंटर्स हैं, ये हमारी बहुत बड़ी पेंटर वहाँ बैठी हुई हैं, चंदा वदे जी, तो थिएटर के लोग बैठे हैं, सचिन। तो ये एक बिल्कुल इलस्ट्रियस ग्रुप है जो कि बहुत ही कीन था आपसे और बहुत ही इनके अंदर एंथुसियाज्म और बहुत मोहब्बत आपके लिए, इज्जत है आपके लिए। तो हम लोगों ने सोचा ये है कि पहले आपको थोड़ा बोल दें, इसलिए कि आवाज़ तो मेरी तो नहीं सुनना चाहते, लोग आपकी सुनना चाहते हैं। एक उसके बाद हम कुछ 12-15 लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन करेंगे विद इन अ मिनट और 1.5 मिनट, उसका आप छोटा छोटा जवाब दे देंगे सबको, और एंड में फिर एक बार आपको बोलना है वाइट कस्ट। तो आपसे शुरू होगा, आपसे खत्म। थैंक यू सो मच जबेद जी, विमान जी, पवन जी, महेश जी, हमारा जाने माने सब बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल्स एंड सिविक सोसाइटी पीपल, एक्स जजेस, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, माय ऑल कल्चरल पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I am really honored and delighted to meet all of you. It is my proud privilege. I convey my humble regards to all of you. And I convey my best wishes to all of our cultural people and the society, the civic society, and also the Maharashtra, all the brothers and sisters. I think Maharashtra cha sarva pavuddha jantela maje विनर्म अभिवादन आनी माजिया, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा अपने सकल के, सबको लिए। आई डोंट वांट टू स्पीक मोर बिकॉज टाइम इज टू शॉर्ट, इट इज, इट विल बी, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद द पीपल इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्पीच जस्ट लाइक टेक्निकल एंड दिस हैबिट, द पॉलिटिशियंस द हैबिट इज to give more speech, talk more, walk less. So I don't like this. I want that talk less, walk more. Only Javed ji, Kulkarni ji, Pavan ji all requested me to say something about Bengal. It is a big history. I cannot say right now all the details. But you know that we are celebrating this year, the next year also, this 75 years of our independence. So Lal Bal Pal, there is a bridge. Between Bengal and Maharashtra, the Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra, Pal Bal Gangadhar Tilak, even Rabindranath Tagore, this Marathi, Kabir, Shivaji, how Rabindranath Tagore wrote a poem in favor of Shivaji that everybody knows. So our relation is very good. We want to build up that relation. And Mumbai is a financial capital of India. You have the cultural capital also, and there is a bridge between Maharashtra and Mumbai and Calcutta.
We also do the cultural festival, film festival, this Tele Academy, we have the music academy, the Lok Posha Shilpi, we give help to the 2 lakhs, more than 2 lakhs, then rural artisans, this artist, especially the pension, more than 2 lakhs artists we have. Like this in Bengal, only in a short while I can tell you that we have the free ration. What Medhaji will be very happy to see. We give free ration to each and everybody. Number two, we have the free health. Hospital is totally free. From kidney operation to heart operation, all free. Free medicine we give. And instead of that, we have one Shastra Sathi project, that women of the family is the empowerment. They get smart card. They can spend for more than, they can spend 5 lakhs for the family in private hospital also. We have full free education for girl child, all the government schools, colleges and universities, they get Konyasri. And we have got number one award for United Nations for public program. So Rishan is free, education is free, health is free. We give free tree plantation also. When a newborn baby born, we give a good tree so that it can also be built up and it will be useful for them. Like this, we have the scholarship for the general students, the minorities, the Christians, all. And we started Lakshmi Bhandar to empower the women. We give 500 rupees every woman of the family so that it is a, they can spend this money for their own purpose. And who are the civil council tribes? They get 1,000. We give all the widows pension. We give farmers every year Kishan Bandhu scheme, and 10,000 rupees we give to the Kishans. The Kishan crop insurance, it is absolutely free. Whatever the insurance, government gives. It is not the farmers. Even if the farmers died, their family also get 2 lakhs rupees. All. So we have so many programs. For students, we are giving smart card. Government is doing the, we have done the insurance for that. 10 lakhs, up to 10 lakhs rupees for their education purpose. Even including the coaching, purchasing the books, the computer, even the training, it can be used for that also. MSME, we are the number one in India. Our skilled labor is too much, and we have so many IIT, so many ITI, polytechnic, we have started about 300, 400, resulting in which the skill, we are number one in India. We give 5 lakhs job from the skill training. So there are so many areas, even e-governance, we are number one. E-tendering, we started from panchayat to decision-making levels. There also we are number one. So like this, there are so many areas. The minority scholarship also we are number one. What we give to them. So like this, there are so many areas. We give cycle, free cycle to every class nine students. Even we give laptop, not laptop, it is just 10,000 rupees to every 12th class student to purchase a smartphone or a tab. Even from school children, we give school dress, the shoes, the dress, the meal, everything. So I think we have covered all the social sector. And it is a big reforms we have done in West Bengal. Even in the world, you cannot show me a particular place. That's what we are doing. For artists, we have given this insurance. For press media, we have given the covered their insurance. Even COVID, whoever died, we gave 10 lakhs rupees and one employment also. So like this,
who are the Bongo Vibhushan and Bongo Ratna, there are so many awards. For their treatment is free, we give honor to them. They take house from us. Wherever there are so many Bengal University, so many important people are there. We have all the academy, including all Chiki, the Sauthali language also. We have 15-20 academy, tribal development to industry, everywhere, cultural. We have the film festival every year. This year also we are doing. Mohesh Bharji should have attended this, Amitabh Bachchan, Saurabh every year. Even Sharmila Tegar also, Tanujadi also sometimes, Kajal also. This time also I am inviting them. And so there are so many. There is no end. Even if somebody died, they are poor, we give 2,000 rupees for their cremation purpose. Or for their samadhi purpose, burial, that also we give. Even a lady cannot marry, she is a poor, we give 25,000 rupees for that also. Even girl child, we give full free education, but when they become 18 years old and they don't marry, they study, we give another 25,000 to their account. So like this, other thing is, Bengal is cosmopolitan. All the people are staying from different parts of the country and the world. There is no differences, no division. We all are equal. Unity is our main strength. And that we want to do it in a manner. It's a peaceful state, lovable state. And BJP has tried so many things against us. Every day they are giving fake video and fake report. Whatever going on in Bangladesh, that also they are giving in the name of Bengal. So this is their attitude. But I can tell you that we love the human touch and humanity. Humanism is our priority. So after that, I think if you have anything to interact, I'll be happy to interact with you, though you are very important than me. I am a less important person, and you all are very important persons. And I am not from these classical societies, means typical type of classical societies, that high standard societies. I belong to a grassroots, the poor people society. And it is the country. And this is the world. So you can ask me any question, anything. I'll try. लेकिन उसके अलावा ये पेंटर भी हैं और ये पोइटर भी हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि आप हमारी सोसाइटी के लिए। दूसरा सवाल जो मेरे ध्यान में आया था, आपने बताया था कि बरियल के लिए आप कुछ पेमेंट आपकी गवर्नमेंट करती है, पिछले दोनों एक मेजर बरियल किया है आपने, तो उसका कुछ पेमेंट सरकार ने किया कि नहीं किया? इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें, मैं चाहता हूं कि विद्या चौहान जी बुके पेश करें। एक्चुअली बुके तो और भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर एच के द्विवेदी साहब, अपने श्री बत्या बासु साहब, श्रीमती वंदना यादव जी और शांतु बासु साहब के लिए भी, लेकिन हम आपकी गाड़ी में रखवा देंगे वक्त बचाने के लिए। सर नीचे बैठिए।
तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, और मैं महेश भट्ट साहब आई डोंट थिंक ही नीड एन इंट्रोडक्शन, तो उसे मैं खुद नहीं कहूँगा, बस कहूँगा कि आप क्या कहना और क्या पूछना चाहते हैं। भक्त जी, यू आर द फेस ऑफ होप। When we felt that we were getting engulfed in darkness, जब हमको लगा कि बिल्कुल अंधेरा ने हमको घेर लिया है, and there is no hope, you ignited hope in the darkness, so you are the face of hope for us. The story of India, as I told from your platform during the Kid Festival, is too diverse, too vast to be reduced to just one narrative. It's a story of 1.4 billion people, and when you try to reduce it to one narrative, you not only falsify it, you mutilate it and do a lot of harm. The problem that we face today is that the story of India is getting lost. It's high time that forces like you hear the voices of those billions of people who believed, were born to the story of India, which is a story of a plural India, a diverse India, an India which has been always very tolerant, very human. And you tell us the story as we were told when we were born in this free country. Because as of now, it is being mutilated, and it's time that you take that story and tell it to us the way our ancestors told us. But Mamta ji, bahut important baat ye hai ye samajhna ke at times political party thinks that they are the story. The nation is the story. No political party is bigger than the nation. So I think it's very important that we lose sight of this, that we are here to tell the story of the nation, and the political parties are streams which have contributed to that story. Now, the question to you, madam, is how are you, who I see as the face of hope, going to protect the liberal stream from the goons of the right wing, who have imposed on us the politics of silence, who have terrorized us and intimidated us? We have lost the moral muscle, the country has lost the moral muscle. I think it's time to reinvest in that. And how are you going to put all the liberal forces together to take the might of the right wing on? Because they seem at the moment, even with your resounding victory, almost insurmountable. Ye aap kaise karengi? Can we not all pool our resources and sing the song of India as we were born to? So, thank you, ma'am. I think Mohit is 100% correct. You have to sing for the future. You, the civic society, you have a very big role to play. India loves manpower, not muscle power. And unity in diversity is our origin. If you want to protect that, yes. Unfortunately, we are facing the cruel attitude, an undemocratic attitude, unethical, and I don't know how we have been tortured by, in the name of right wing, one political party, BJP. I'm sorry to mention the name, but if we are together, I am always very confident. If you are bold, I know Moise, you have been victimized also. Saurik is also victimized. There are so many. Somebody can open their face, somebody cannot open their face. But let us not divide the society, not divide the country. We are all one. If we want to really fight with them, let us be united wherever you are. Speak out, bold out there. You can bold out.
we can fight it out. Never say no, never say we cannot. We can. And that's why, instead of political party will do their jobs. But you are the main pillar of the society. You do your job also. You advise us. You people guide us. You give us the suggestion so that you control the political parties, that you have to do like this and you have to save the country. Our motto is to save the country, to save the democracy. If you want to save the democracy, then we have to work together. Means your society is a big society. It cannot be left out. That's why we are here. Thank you. Thank you very much. Hello. Mr. Javed Anand, he is the co-editor of Communism Combat, and besides that, he is running a very important organization, Muslim for Secular Democracy. ये Communism Combat अगर on one side एक journal attitude है उसका communism के खिलाफ, तो Muslim for Secular Democracy is there to fight with the right wing within the community, and they have contributed a lot. And they have brought a lot of awareness within the community. I'll ask him. Madam, thank you for coming to Mumbai, for giving us this opportunity to express our admiration for you. We are, I think, among the crores of people in this country, not just in Bengal, but all over the country, who are full of admiration for what you did and the example you put, showed the nation in West Bengal during the assembly elections. I think not only did you kind of defeat the BJP thoroughly in West Bengal, you also showed the way to fight the BJP nationally. That is the way the BJP has to be fought, not through kind of sometimes here, sometimes there kind of politics. So therefore, my heartfelt gratitude to you. While I heartily welcome your coming here, I also must say that some of us have a little apprehension. In Maharashtra, we were under BJP rule till not so long back, and then you are aware of the arrangement that has been arrived at between three political parties, as a result of which we are able to breathe easy in this state today. As a national leader, you obviously have an aspiration to grow, and our best wishes are with you for growth. But we are also concerned that nothing should upset this kind of arrangement that is here to bring the demons of the BJP back to Maharashtra. That is my question. Wow. It depends on state to state. India is a vast country. And India, there are so many multi-political system is also there. So what is going on Maharashtra? Why we will be disturbing that system? That we are not. Where there is no possibility, where Congress is not going to compromise. The fight means, compromise means they are not fighting the battles. There BJP is growing. There we will not allow BJP to grow. There we have to work together. Shobha Day, another person who doesn't need an introduction, an extremely popular writer, erudite, column writer, and she has a defective dictionary. The word fear is not in it. Thank you for those kind words, and namaskar, and welcome to Mumbai, and for the opportunity to listen to you closely. It's a very critical time in India, and all of us need to be sensitized to the next election, what lies ahead, the UP elections, and of course, what we are going to see. My question is simple and straightforward, and maybe only you can answer it, because you can say it like it is without hearing anything or anybody. And Mumbai is the kind of city where you can speak your mind. All of us here who have been speaking our minds, well, we're still here and we're still speaking our minds and will continue to do so. So this is the moment that I want to ask you, who should be the next Prime Minister of India? Who? Why don't you try for yourself also?
As a citizen of this country, you can also do it. I'm not a politician, madam. So what? Only politician will do that. The others also can do it. I'm very happy. You see, I am just introducing my Dr. Bose. He is my education minister. But he is from the drama field. He is a big film star and also theater. From the theater. Theater field is very popular. So if they can do it, you can also do it. You are also very popular. Madam, we are hoping that you would have said no, the matter is Prime Minister. Matter is now, the matter is not for Prime Minister. The matter is the great importance whether we are able to save the democracy or not. Let us all first move to voice out BJP from this country. Politically. Then it will be decided who will be Prime Minister, who are not. It depends on the state level. That's all. We need a leader, we need a face that we can say, if not him, if not Modi, then who? So I was hoping you would say it would be yourself. Automatically the situation will decide all this. I don't think that Prime Minister, who will be the Prime Minister, that is the matter right now. The matter is to fight out the BJP and bolt out them. Khela hobe. Anyway, Shobha, you should not let this offer pass easily. Because we'll differently discuss it. Girish Kumar Sahab is the editor-in-chief of Lok Satta, one of the most important newspapers of this state. और बहुत अच्छी कुछ किताबें भी जैसे महाराष्ट्र Will you be inviting CPIM or the Congress? Have a kind of a joint front against the BJP, because the number tells the story. 31% vis-a-vis 69%. So 31% is united and 69% easily gets divided. So what will be your strategy? Will you be open to have some kind of a understanding with Congress and other liberal parties in UP and as well as in 2024 national election? Thank you. If somebody is afraid, even they cannot take a decision, they just waste the time and allow BJP to be powerful, more and more powerful. And that is the BJP TRP. They are the TRP of BJP. We will not tolerate that. We are waiting, we are watching since 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to bail the cat. Our duty, I am a simple worker, but I want to see that BJP is out from this country. Politically. And that's why whatever the situation will decide, we'll do that. We are not contesting UP. Why? Because we want that there should not be any division. But if Congress is contesting against of me in Bengal, then can't I contest in Goa? Then why you are contesting against of me in Bengal every seat? CPM is also contesting in Bengal in every seat. If they can contest, I can also contest. Because I want BJP should be out. I have seen that they have been elected, and after that how government, BJP has formed the government in Goa. They were elected very much. So if these type of things are going on, then it cannot be. Politics must be, it is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bolt out you. And if you are in the field, they cannot do anything. You have seen our farmers, how they win the battle. Our congratulations to them. Even I also for farmers, hunger strike, I have done 26 days hunger strike. Even Tripura, how they tortured us. How they are beating our people. Not allowing a journalist even to go. When all India level, you know. Wherever BJP is not there, there the journalists are safe. You tell me what is going on. Parliament journalists are not allowed. Central are not allowed. Tripura no journalist is allowed. Some people went there and they rang me up. The Dilip Sevas,
because they are beating me, beating us in the hotel itself. They are not allowing a hotel to stay. After beating, they are not giving a medicine to the people. I brought them through mobile ambulance to medical ambulance to Kolkata for treatment. So many tortured. Media is also not safe. And media is, I think that it's a second important institution. And it is a pillar to save the democracy. So media is to be very bold. I know they have tortured again Dainik Jagaran and so many patrikas, even Punoyara and others also. But if you people can take a stand, this media, judiciary, and especially the civil society of these people, this still can play a very, 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 very sensitive real role, and you can guide us. You tell me, Joy Prakash movement, Joy Prakash Narayan's movement, Indiraji was a very powerful leader, but the message reached that emergency, emergency, emergency. He apologized in the year 1977, but people didn't excuse. Now our PM also apologized to the farmers, but message is already reached, so he won't be excused also. Please remember, people are more powerful than the leader, than the political party. So my nation is very important, and don't worry, everything will be settled in a proper time. मेरा ख्याल है सभी लोग ये जानते हैं कि शो बिजनेस में खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी वल्नरेबिलिटी बड़ी हाई होती है. किस्सा ये है कि आपने एक पिक्चर में काम किया है जो किसी और ने प्रोड्यूस किए, किसी और ने पैसा लगाया, आप तो स्टेटमेंट देके कहीं चले जाते हैं और उस पे थिएटर्स में पत्थर मारे जाते हैं, स्टेट्स में पिक्चरें बैन कर दी जाती हैं. तो नुकसान एक आदमी के स्टेटमेंट का दूसरे को होता है, तो वो डरता है कि मेरी वजह से कहीं 10 आदमियों को नुकसान ना हो जाए. लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जो सर हथेली पे लेके घूमते हैं. तो मैं स्वरा भास्कर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सवाल करें जो पूछना चाहती हैं. हेलो मैम. Hello ma'am, my name is Swara Bhaskar. I am an actor from the Hindi film industry along with many of my colleagues here. Allow me to first say, and I'm sorry I'm a little excited because I admire your spirit, your grit deeply. Thank you. Thank you for khela hoye che, didi dekhe diye che. We are all very grateful. As Mahesh sir said, you have shown us that no one is invincible, how many ever inches their chest may be and how much ever muscle power and money power they have. I completely agree with you that the resistance to authority and fascism or whatever we want to call it is all our burden. And I assure you, ma'am, that everyone in this room is doing their bit. There are many older, illustrious people who've spent their lives on this, but allow me to take a minute to introduce you to some of the younger people who have risked their careers and their employment and very livelihood to keep resistance in their own small way alive. Munawar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for a joke he didn't tell. But Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Richa Chadda is here, Kubra Seth is here, Arpita, Ashwini sir, Avinash ji, all of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to but are forced to bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional. People ask why there is no Meryl Streep in India.
There is no Meryl Streep in India because Meryl Streep could stand in front of the president-elect of her country and critique him in the harshest way, and not a hair on her head was harmed. We are all unemployable today. We, all of us, going to jail is a reality. My father served in the Navy. He retired from the Navy. My mother is a professor. If I visit Tihar or the jail, Arthur Road jail here, it will seem like a family reunion. My friends are there. My teachers are there. People we've studied are there. This is a crazy situation for a free democratic country. I hope that you will, in the process of your growth to national influence, I hope you will also be a voice for those people, the people who don't have the power, who are vulnerable, but are still resisting. And that is our hope from you, ma'am, that you and people like you who are part of this, the opposition, when y'all come to power, y'all will make sure that the rule of law and the constitution are in place, even if it is to your detriment. Because as somebody said here, there is nothing greater than the nation. And in this context, I have a small question, ma'am, because Sudha Bharadwaj ji has got bail today, but 8 others haven't. I have a small question. Ma'am, what is your take on the UAPA? And if you were to come to power at the national level, what would you do with draconian laws like the UAPA specifically? Thank you. I think UAPA is not for civic society or the political or the common people. There are some laws in our country, it is because of the internal security and the security purpose. And how to protect the country from the external this threat. But now it is misusing. It is misusing like anything. Even there are so many agencies, though I don't have any personal grasp. But if anything anybody raises, certainly there will be income tax raid, or CBI, or ED, or UAPA, or so many things. I don't agree with them. And UAPA, even in my state, very rare. My chief secretary is here. How many UAPA we have given? Huh? We don't remember. Even do you know Chhatradhar Mahato is an activist, Medaji knows. So he was in jail. I released him. Now they have given another case, UAPA, from Jharkhand. And bichara, uska puribar ka dekhne ka koi nahi hai. मैंने उसको लड़का को नौकरी दिया, उसको बीवी को नौकरी दिया. हाउ वी आर हेल्पिंग देम. एंड आई हैव वी हैव रिलीव्ड ऑलरेडी मोर देन 550 पीपल हु वर इन जेल लाइफ सेंटेंस्ड. एंड आई विल बी हैप्पी टू डू फॉर ऑल. एंड यूएपीए इट इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, नॉट यू नो हाउ आई फॉट लाइक टाटा. आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन ऑल्सो फॉर टाटा. That's why when Sanjay Dutt was alive, he used to visit my house every time. He used to visit 2-3 places. One Mother Teresa, one Makali temple, and my house. Compulsory. It was his compulsion to come. But Tata was withdrawn. So I can assure you that if BJP go out and we have any opportunity, I can tell you there will be no drastic law which can be used against the people. We want free movement. Then you can criticize me like anything. I will be very happy to do it. Sometimes the criticism gives us a light. The constructive criticism, it is shown us the way. But khela hoye gache na, khela hobe abar. Khela hobe. And 24, it is a year marking for Khela Hobe. And that's why you are moving here and there. Whoever is powerful, that place, let them fight. I have no problem. My one strategy. Whoever is powerful, trying to do something and with determination, devotion, let them fight there. But you are not doing anything, so you will not allow me to do anything. That is also not. Politics, there should not be any double standard games or double standard politics. We must follow a uniform policy. Thank you so much.
Why don't you join politics? Very tough ladies and strong ladies. Sri Ram Pawar Sahab, he is the editor-in-chief of Sakal, a very, very important newspaper. He has written a lot of books, and one of the most popular books that he has written is Modi Parwa. Parwa ka Marathi mein matlab hota hai Parwa jo hai iska matlab hota hai era, period. Paki ka to maane aap log jante honge. Modi Parwa. दो तीन सवाल है. एक तो अपोजिशन यूनिटी अगर हो जाएगी तो उसका लीडरशिप आप करना चाहेगी, एक बात. दूसरी बात, या तो जैसे जावेद साहब ने कहा कन्विंस कन्विंस टाइप का माहौल है, सभी ऑलरेडी कन्विंस हो चुके हैं कि ये एक डाइवर्स कंट्री है, इसकी डाइवर्सिटी जैसे तैसे रहनी चाहिए. तो दो चीज़ें हैं, एक तो सत्ता का बदल. आप एक नेशनल लीडर हैं तो उसके हिसाब से आप देखते होंगे. दूसरा सवाल है कि अभी हमारी सोसाइटी मेजोरिटियन हो रही है या हो चुकी है. मत अलग अलग हो सकता है लेकिन हो चुकी है. आप देहात में जाओ, गांव में जाओ, सीनियर आर्मी में जाओ, पोलराइजेशन इज टोटल. तो सत्ता बदलना एक चीज़ है. इसके बारे में मेरा सवाल है कि क्या आप उसके लिए आप विपक्ष की एकजुट का या अलायंस का लीडरशिप करना चाहेगी. और ये जो दूसरी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में अब फैल चुकी है, उसके लिए आप क्या करना चाहती है, क्या कर सकती है? देखिए, मैं आपका पेपर का साथ परिचित हूँ. मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आई एम ए स्मॉल वर्कर. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एज ए वर्कर. हमने वो कहा ना, अगर हम घूमता है तो हमको देख के बहुत सारे घूमेगा. सो आई एम मूविंग हियर एंड देयर, लेट देम ऑल्सो. ऐसे ऐसे करके परिस्थिति हो जाएगा. और हम लोग डिविजन तो कभी कभी नहीं चाहते हैं. नैरेटिव वो करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर हम लोग उसको नैरेटिव को रिप्लाई दे दे, अगर वो एक कहे तो हम हजारों बहुत हजारों आदमी मिलके उसको काउंटर करे. तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है. उसको तो आईटी टीम है, जो प्रोफेशनल टीम है, जो टीम को देके कराते हैं. इसमें ज्यादा 90% फेक है. पूरा फेक वीडियो, पूरा फेक न्यूज देते हैं. तो अगर हम लोग ओरिजिनली लड़ सकते हैं, हमारा स्टूडेंट्स, हमारे यंग जेनरेशन, हमारा सिविक सोसाइटी, हमारा कल्चरल फील्ड, हमारा जर्नलिस्ट फील्ड, तो इतना आसानी नहीं होगा. अगर मोदी जी को भी कभी कभी डर लगता है ना, अगर इलेक्शन का टाइम में थोड़ा डीजल का प्राइस, थोड़ा पेट्रोल का प्राइस चिंतित हो जाता है, लेकिन साल भर बढ़ा के जाता है. आज किसान का जो बिल रिपील हुआ है, चर्चा नहीं होने दिया, लेकिन रिपील क्यों किया? बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्शन. एवरीबॉडी नोज दैट. तो दे आर ऑल्सो अफ्रेड. डोंट थिंक दैट दे आर वेरी सेफ. ओनली कंट्री इज टू बी सेफ. चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा. विश्वास रखिए खुद अपना फानों पर. जो विश्वास रखते हैं ना, वो सब कुछ कर सकता है. How do I describe Mr. Ram Kamani? ये एक single man's crusade against all kind of polarization or communism. एक war बरसों से लड़ रहे हैं, and we are all his fan. Ram Padmani sir, thank you very much for this kind introduction. I join everybody in the hall in appreciating the dynamism which Mamata Banerjee has shown in fighting against the communal forces. I have two small questions. One is that I am convinced, whatever be the situation, if there is no opposition unity, we cannot defeat BJP in 2024. That is my conviction. Now, what obstacles are to be overcome for that? It is a compulsion for all of us. We cannot say that they don't agree, they don't agree. We have to find a way for that. That's number one. And number two, probably that is a question which some of us should be asking. How come BJP is rising so fast
what are the other forces which are backing up BJP, which are invisible, but ideologically they are so strong, they are affecting most of the parts of our journalism, culture, media, and whatever that. I hope you people get the guess towards which organization I'm saying. How that ideological indoctrination which they have seeped like a poison in our society, how that can be undone? What are your ideas about that? Because I believe unless we work at that also, in the long term, the dream of Indian nation cannot survive. Thank you. देखिए तो एक परिवार में हर आदमी समान नहीं होता है. कभी कभी ये हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में सब एक है, ये हम नहीं मानते हैं. वो लोगों ने भी एक जिसका नाम आप कह रहा है, एक टाइम इंदिरा गांधी को मदद दिया था, फुल सपोर्टेड इंदिरा जी. आई डोंट थिंक दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. लेकिन किसी का नैरेटिव लेके काम कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई राइट विंग करते हैं, तो मेरे को ये कहना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है. दिक्कत क्या है, हम लोग को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है इसी के लिए? कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है? हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा. दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए. और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है. आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज बेटर ऑल द रीजनल पार्टीज इफ वी कैन वर्क टूगेदर. रीजनल पार्टी बिल्ड अप द नेशनल पार्टी. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. There are some regional parties in the state, they are in power. They are afraid of BJP because of CBI, ED and all. What we can fight, they cannot fight. Can you imagine, I have organized an exhibition. I have not taken one paisa in my account, the painting exhibition. They have given me the notice, my party. कौन कौन किया, कौन कौन खरीदा, कितना साइज था, कैसे खरीद. अरे भाई हम मिठाई बनाते हैं, हमारा मिठाई कौन खरीदता है? तोरा ही याद रहते है. तो क्या हम एक एक मिठाई का हम हिसाब रखेगा? एक एक मिठाई का हम हिसाब रखेगा? खरीदता कौन है? हम ओपन एग्जीबिशन है, ओपन कॉम्पिटिशन है, पब्लिक अनाउंसमेंट करके किया. अरे रुपया में लिया भी नहीं, हम दे दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को, हम दे दिया गवर्नर से रिलीफ फंड को, हम दे दिया स्पेसिफिक सोसाइटी को. हम तो गवर्नमेंट से एक पैसे सैलरी भी नहीं लेता है. हम साहब सेवन टर्म्स एमपी थे, हमने 1 लाख करके हमको महीना में सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है, हम नहीं लेते हैं. 11 साल हम नहीं लिया, हम गवर्नमेंट में एक पैसा सैलरी नहीं लेता है. और हम सर्किट हाउस में अगर रहते तो खुद अपन का पैसा देके रहते हैं. आप पूछेंगे कैसे पैसा आता है? मेरे को 105 बुक पब्लिश हो गया, 105 बुक्स आर पब्लिश ऑलरेडी. आई गेट द रॉयल्टी. जो पुस्तक लिखते हैं, जब एक जी गाना गाते हैं, मैं भी म्यूजिक में ट्यून देते हैं, हम लिरिक देते हैं, उसमें भी रॉयल्टी मिलते हैं. वो जो रॉयल्टी मिलता है उसमें हमारा हो जाता है. हम अकेला आदमी क्या कितना लगेगा, क्या खाएगा हम? थोड़ा गोल्ड खाएगा और प्लैटिनम खाएगा, हम तो थोड़ा चावल खाएगा, नहीं तो थोड़ा रोटी चावल दाल खाएगा, नहीं तो थोड़ा मुरमुरा खाएगा, यही तो खाएगा. और आजकल का दिन तो सब डाइटिंग करते है, खाते ही नहीं है, एकदम रात में खाते है, वो भी भात ना, रोटी ना,
मुरमुराना तो कितना लगेगा, कितना चाहिए? तो इससे हम कहते हैं कि हमारा एक आदत है, हम पसंद करते हैं। इफ यू आस्क मी व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी, वी विल फाइट फॉर ऑल सेक्शन, नोबडी विल बी नेग्लेक्टेड, बट स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन फॉर द पो पीपल स्टैंड। अगर पब्लिक को आप पीएम केयर फंड, आप हमको बताइए 4 लाख करोड़ का ऊपर ले लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पैसा लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी लिया, सीएसआर में भी लिया, और इसमें कितना बड़ा स्कैंडल है, ऑडिट नहीं होगा, रिलीफ फंड में नहीं जाएगा। नोबडी आस्क द क्वेश्चन, वेयर इज द ह्यूमन राइट्स, वेयर इज द सीबीआई, वेयर इज द ईडी? और किसी को ट्रैप करके करता है, करने दो। अगर हम जहाज में जाते हैं, कोई आदमी हम पैदल हटते हैं तो भी हमारे साथ चलते हैं, फोटो खींचाते हैं, खींचते हैं, हमको पता नहीं है कौन फोटो खींचते हैं, लेकिन प्लान करके कर देगा, देखो इसका साथ इसका कॉन्टेक्ट है, फोटोशॉप में जाके पूरा क्लियर कर देता है। हम 7A में बैठते हैं तो 15A से फोटो तुलता है जूम करके। आज का जिंदगी ऐसा हो गया है। तो इसी के लिए आप लोगों को ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा, वो हमारा फैमिली में इतने कोई नहीं है जिसको नहीं भेजा नोटिस, इतना स्ट्रगल करने का बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है, हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। तो इसमें हमारा क्या एड्रेस है, किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग अवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी अच्छा काम करते हैं हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स, यही है, यही सोचने का बात। राजीव पावलेकर साहब ये राइटर भी हैं, बहुत पॉपुलर राइटर हैं और बहुत पॉपुलर टीवी पर्सनालिटी हैं, एंड ही इज नोन फॉर एक्सट्रीमली इंसाइसिव इंटरव्यूज। मैं रिक्वेस्ट करूँ, धन्यवाद ममता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक रास्ता दिखाया, महाराष्ट्र ने एक रास्ता दिखाया, एक बंगाल ने दिखाया, फिर किसानों ने दिखाया। मैं बहुत आपके देश बहुत शुक्रगुजार है आपके, आपका। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ, एक दो छोटे छोटे सवाल है कि जो राजनेता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी सारे INI NCB हमने देखा यहाँ पर, बॉलीवुड को बहुत परेशान किया गया, ये एजेंसी पीछे लगती है, हमें नाम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बंगाल से लेकर त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र में भी और वहां पर जम्मू कश्मीर तक इतने बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, जिनको कुछ चाहिए नहीं, जिनको आजादी चाहिए, आजादी चाहिए नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो लड़ रहे हैं। मैंने TMC जैसी और एक्का दुक्का और पार्टी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी कोई मदद नहीं करता उनको, लीगल एड के लिए उनको मदद नहीं होती, वो जेल में रहते हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच नहीं रही है देश की। मैंने TMC के बारे में खास करके कहा क्योंकि परसों 3 जर्नलिस्ट टीम में हमारी मित्र वो उनको पकड़ा गया त्रिपुरा में, तो पहला फोन TMC के ऑफिस से आया, हालांकि मैं आपको पर्सनली जानता नहीं, मैं बोल रहा हूं तो आया तो आया TMC से, बाकी किसी पार्टी से नहीं आया। तो उनको कोई मदद नहीं हो रही, इसलिए वो सालों तक अंडर ट्रायल पड़े हुए जेल में सड़ रहे हैं। एक बात, उनके लिए कोई मदद होने वाली है या नहीं, यानी ऐसा कुछ एक प्लान पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए या नहीं, आप आगे बढ़ेगी, आप कहेगी तो फिर लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जब उनको ये लीगल एड मिलेगी, मदद मिलेगी, एक बात। और दूसरी बात, ये एक फैसिज्म है RSS BJP का, जो एक मुसोलिनी और हिटलर की तरह था, जिसमें स्टालिन रूजवेल्ट चर्चिल साथ आए, तो एक विपरीत आइडियोलॉजी के लोग भी एक साथ आया और उनको परास्त किया। तो ये फैसिज्म खत्म होने के बाद जो भी सत्ता में आएगा, कोएलिशन आएगा, कोई भी आएगा, मेरा ये पूछना है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं बहुत छोटा था, मैंने इंदिरा जी के इमरजेंसी के टाइम तो प्राइमरी स्कूल में भी था,
लेकिन ये इस तरह से जहर नहीं फैला था देश में, डिवीजन नहीं हुआ था हिंदू मुस्लिम ये वो, हमको मालूम भी नहीं था। तो ये जो हुआ है उसके बाद, ये सत्ता से जाने के बाद इनका न्यूरेम्बर्ग लाइक ट्रायल होगा या नहीं होगा? ये जो अधिकारी है जो संवैधानिक पदों पर बैठकर असंवैधानिक और इलीगल काम कर रहे हैं, चाहे ईडी में हो, चाहे एनसीबी में हो, चाहे आईटी में हो, और वो फिर एमपी बन रहे हैं या राज्यसभा में सेक्रेटरी बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, क्या इनकी कोई ट्रायल होगी कि नहीं होगी? कि अगर आप पहले अगर ये आश्वासन दे दें तो लोगों को भरोसा मिल जाएगा, और इन अधिकारियों के और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर रहे हैं उनके मन में डर बैठ जाएगा। ये दो जो मेरे सवाल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए कभी कभी दिल में कुछ बोलने चाहते हैं लेकिन सब कुछ हम बाहर में नहीं कह सकते, क्यों? वो हमारा जो अपोजिशन है स्ट्रेटेजी बना लेंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाने का मौका नहीं देंगे। जब चुनाव होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब होगा, ये सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जैसा आज हम इधर में सिविक सोसाइटी का मीटिंग कर रहे हैं, अगर जावेद अख्तर जी, महेश जी, मेमन जी, पवन जी, आप लोगों सब मिलके यही सिविक सोसाइटी का मीटिंग हर स्टेट में करो और हर सबको इकट्ठा कर दो तो ये लोग डर जाएंगे। और ये बात भी है कि हम सोचते हैं, मैंने बहुत दिन कांग्रेस को बोला, सुना नहीं है। मैं बोला देखो एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, मीन्स एक एडवाइजरी काउंसिल और समथिंग जो हमको एडवाइस करे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा था पूरे सीआई इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन थे, ऐसा गोपाल गांधी है, ऐसा आप लोगों ने है, ऐसे जावेद अख्तर जी है, मेमन जी है, पवन जी, कितना लोग है, कुलकर्णी जी है, बहुत सारे लोग काम किया, कितने एडिटर्स है। हम चाहते हैं एक आप लोगों ने मिलके, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, पूरा हिंदुस्तान में जितना इंपॉर्टेंट लोग है सिविक सोसाइटी का, मीडिया का, आप उसको लेके एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए और एक कमेटी आप हम लोगों को दिशा दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिधर में जेल में कोई है, मदद कोई नहीं कर रहा है, उधर से लीगल टीम निकल जाएगा कि आप लीगल को भी रखिए, आप लॉयर को भी रखिए, हर स्टेट से 3-4 अच्छा जाने माने लॉयर को भी रखिए, बहुत सारे रिटायर्ड लॉयर जजेस भी है, एक्स जजेस भी है, दे कैन गिव यू द गुड गाइडेंस, द सजेशन, द एडवाइस, काउंसिलिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर एक कुछ करेंगे, देखिए इंडिविजुअली तो आप हमको बोले हम जो मर्जी है हम करेंगे, हम तो सबको बोलता है जब डरते हैं कि हमारे इधर में चलाओ हम देख लेता है, जितना भी मदद कर सकते हैं। मैं दिल्ली में भी किसी को पकड़ता है तो हम जवानी को भी फोन किया था, हम पुनोडा को भी फोन किया था, जो वो लोग कोई फंस जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको मदद करने का। लेकिन हर तरह और आदमी हमको भी पहचानता नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, तो इसी में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही है। तो अगर आप लोगों ने एक कमेटी बनाई के लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, आप लोगों ने एक कमेटी बनाई है एंड यू गो टू एवरी स्टेट एंड टेक द मेंबर फ्रॉम एवरी स्टेट, मेंबर्स तो हम आपको जितना चाहिए हम दे देंगे, ऑल द कल्चरल पीपुल, इट मे बी फ्रॉम फिल्मी वर्ल्ड, इट मे बी फ्रॉम टेली अकेडमी, इट मे बी फ्रॉम थीम दिस डांस अकेडमी, इट मे बी म्यूजिक, इट मे बी फोक, इट मे बी साहित्य अकेडमी, वॉट एवर इट मे बी, उर्दू अकेडमी, एवरीथिंग, हिंदी भाषी अकेडमी, हम आपको जो चाहिए हम सब पूरा दे देंगे। अगर मुंबई एंड कलकत्ता फाइनेंशियल एंड कल्चरल कैपिटल ये दोनों अगर एक साथ में आप करेंगे ना, तो आप देखो दिल्ली भी प्रेस वेरी स्ट्रांग है, वो भी आपको मदद करने चाहता है। इफ यू टेक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इतने तो आपको काम हो जाएगा।
और नॉर्थ ईस्टर्न हमको संभालने दो, हम देख लेंगे तो उसको हम दे लेंगे, हम मेंबर ले लेंगे। तो ऐसा आपको करना है, इसको करने का बहुत जरूरत है। हमें जावेद जी को, जो पवन जी कुलकर्णी जी, आप लोगों ने मीटिंग बोल रहा है ना, आप लोगों ने इसको क्लियर कीजिए। यू टेक वन मंथ टाइम, इट इज नॉट दैट, डोंट डू इट हार्डली, एक महीना टाइम लीजिए। सारा जैसा भाषण दिया, ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यंग जनरेशन को भी ले लीजिए, लेके आप करिए। मेधा पाटकर जी तो हम कैसे पहचानता है, उन्होंने गुजरात में आंदोलन किया नर्मदा का, महाराष्ट्र में है, उन्होंने दिल्ली में भी करता है, बंगाल में भी, हमारा किसान मूवमेंट में हम जब हंगर स्ट्राइक में थे 3-4 दफे किया था, इसके लिए हमारा कनेक्शन है। हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी भी है, शत्रुघ्न भी इधर में बैठे हैं, सब इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं। आप लोग कीजिए ना, आप लोग करने से हमको जो करना है यू गाइड अस। पूरा हम नहीं कर सकता है, लेकिन 99% आई विल ट्राई, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। बिना पाटकर जी से ही रिक्वेस्ट करें हम, क्यों कुछ कहें, कुछ पूछें। स्वागत है, मेरा जी का जन्मदिन भी है, तुमको बधाई हो। नया दिन, आपको तो हमने देखा है, आप भी आंदोलन जीवी ही है एक प्रकार से। आपने भू अधिग्रहण के मुद्दे पर इतनी बड़ी संघर्ष किया, फाइट दी, और आज भी आपके सांसद भी संसद के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। तो आज जो आपसे अपेक्षा है वो एक विकास की नई अवधारणा की, जिसमें आपने जो जो योजनाओं की अभी बात की, हमने देखा है बंगाल में जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गए थे कि लोग काफी खुश हैं कि आप महिलाओं पर, आप गरीबों पर ध्यान दे रही हैं, और आज लेकिन जो बुनियादी परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक उद्योगों को बेचना, जो लड़ाई आपने बंगाल में लड़ी थी, हम जुड़े हुए थे उससे, वो भी एक प्रकार के कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ थी, क्योंकि कंपनियों का हमला खेती पर ही नहीं, पूरे जीविका पर, जीवन पर। तो आज आपको क्या लगता है कि ये जो रेलवे, जिसमें रहकर आपने हमारे रेलवे कैटरर्स को बड़ा न्याय दे दिया, हर चीज चाहे बागान तक, पर BSNL, LIC सभी में इस प्रकार से ये निजीकरण आ रहा है, सो टू रियली काउंटर दैट स्ट्रैटेजी विच इज बेस्ड ऑन दैट पैराडाइम, बेस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, वो आपको किस प्रकार से आगे जाना, क्योंकि दैट विल ब्रिंग इन इररिवर्सिबल चेंज। जैसे अभी राजू भाई ने बताया कि बाद में कौन सजा दे देगा, तो ये बाद में कौन रिवर्स करेगा और कैसे करेगा, जबकि सब कुछ बेचा जा रहा है, चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं। तो आपसे ये अपेक्षा है कि उस पर आप जितना भी अभी पोजीशन लिया है, BSNL बचाओ कमेटी से मैं भी जुड़ी हूँ इसलिए, कि आप उसके आगे जाकर अभी के आने वाले चुनावी राजनीति में भी ये मुद्दा बनाएं क्या। दूसरी बात है कि आपने तो किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पाई हो, पर अभी कानून ही खत्म हो गए, तो ये जन आंदोलनों की जीत है जिसके जलीय राजनीति से जुड़ना जरूरी है। सो दैट काइंड ऑफ अलायंस जो आप इस प्रकार के डायलॉग के द्वारा भी लाना चाह रही है, आपने बहुत अच्छी सूचना दी है, तो ये बुद्धिजीवियों का श्रमजीवियों से जुड़ना, उस पर भी हमारा सवाल है कि आप अभी हम जो MSP के कानून के लिए लड़ रहे हैं, दैट शुड नॉट बी एक्चुअली मिनिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे जैसे का कहना है। तो वो अडानी अंबानी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही भयावह विषमता, गैर बराबरी सामने आती है, तो आपने इसकी भी लड़ाई का नेतृत्व करना, और बंगाल में तो आपकी मंडियां बहुत है, आपका प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, ये हमें मालूम है, पर फिर एक ऑल इंडिया लेवल पर, अभी संसद के अंदर नहीं पर संसद बाह्य में, जिसमें आप माहिर है, तो क्या आप वो करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि जो अभी बात हो रही है गैर बराबरी की, उसके तहत हम महिलाओं की तरफ से आर्टिकल 47 को बहुत ही हाईलाइट करना चाहते हैं, कि हमें नशाबंदी भी चाहिए
और हमें सकस आहार भी चाहिए। तो ये दो मुद्दे जुड़े हुए हैं। आज भयावह परिस्थिति है कि राज्य सरकारें शराब बेचकर पैसा कमाती है, जो गांधी जी के अनुसार पाप का पैसा था, बाबा साहब के अनुसार भी था। तो क्या आप अगले चुनाव के लिए ये भी अपने राजनीतिक एजेंडा पर ला सकती है? जो महिलाओं की आप नेता मानी जाती है, तो महिलाओं की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उससे जिंदगी बर्बाद हो रही है और उस पर स्कूल चलाना, स्वास्थ्य केंद्र चलाना सरकार का दावा बहुत ही खोखला है। मैं आखिरी सवाल यही करूंगी कि ये इकोनॉमी में, हाँ बराबर, तीन सवाल नहीं, एक इससे आगे तीन नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये वेल्थ टैक्स जो सरकार आज कह रही है कि हमारे तिजोरी में पैसा नहीं है, आप अगर ये भूमिका ले लेगी कि वेल्थ टैक्स और हेरिटेज टैक्स बढ़ाएंगे तो एमएसपी के लिए तो पैसा आएगा ही, पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी अपनी तिजोरी भरना संभव होगा। और ये जो इतनी गैर बराबरी है, विभत्स, इसको आप खुलेआम चैलेंज करेगी कि नहीं आने वाले चुनाव में? ये हमारा सवाल। देखिए, पब्लिक सेक्टर के बारे में वी आर ऑलरेडी फाइटिंग and our party stand is very clear that we don't want that public sector should be sell out like this from rail to BSNL to everything. Lekin ek baat hai, humko ye bhi sochna chahiye ki we have to see that more employment should be created and that's why we need the public sector and private sector also, and industry also we need very badly, and if you don't have the industry, then how the employment will come? So it is not that we are against of anybody. अदानी अंबानी भी देश में चाहिए, किसान भी चाहिए, दोनों को समझौता करके ही देश चलते हैं। हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, पंजाबी भी चाहिए, हिंद पंजाब और सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, लेकिन आपको देखना है गरीब ना डिप्राइव्ड हो, एम्प्लॉयमेंट डिप्राइव्ड ना हो, एम्प्लॉयड, इसको देखने के लिए हमारा पार्टी का स्टैंड है। यू तो नो दोला दोला इज बाबुल सुप्रियो इज ऑल्सो दिस रितो ब्रोतो द एक्स एम पी इज ऑल्सो दर आई इंटर प्रेसिडेंट, सो द ट्रेड यूनियन कैन, यू कैन फॉर्म ए यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइट फॉर द वर्कर्स, वॉट एवर इज सपोर्ट इज देयर वी विल गिव यू द फुल सपोर्ट। मेरे को पता है वो सब बेच रहा है, वो जाते जाते सब बेच देंगे, जाते जाते सब बेच देंगे, इसी के लिए देश ना बेच जाए, इसी के लिए हम लोग को पहले देश को रक्षा करना है, तब आप सबको रक्षा कर सकते हैं। पहले देश को बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता जी, मैं अभी इन साहब को मौका दे रहा हूँ, वो एक बहुत दूसरे से आ रही है, आर्किटेक्ट, ये बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े पैलेसेज भी बनाते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन निवाला हक सुरक्षा समिति, जिसे शबाना भी इन्वॉल्व थी, उसमें पी के दास साहब का काम जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इज एन आर्किटेक्ट, इन्होंने एक एक बार 40,000 आदमियों को जो बेघर थे उनको घर बना के दिए, और इनका जो सिटी प्लानिंग में इनको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर अलग अलग लैटिन अमेरिका तक, यूरोप तक इनको बुलाया जाता है और ये उन पर लेक्चर देते हैं, बात करते हैं, और सिटी प्लानिंग के बारे में, और जो अर्बनाइजेशन एक बिल्कुल अनरूली हो रहा है उस पर ही इज वेरी कंसर्न। तो ये कुछ उस बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार दीदी, थैंक यू जावेद साहब फॉर द इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू नो ममता दी, योर व्यूज ऑन द करंट फॉर्म ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, व्हिच इज रियली रूटेड इन द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of public assets and exclusion of more and more people from the mainstream of development. It's really rooted with these two ideas. Medhaji raised the point about privatization. But what is also shocking, Mamtaji, maybe you could answer that and your opinion on the forms of urban development. At some point, the idea of unity seems very cliché. When we look at the form of urban development that we are aggressively pursuing, because this form of urban development is breaking down cities, it's barricading people and places both. So my question is, how do we de-barricade our cities? How do we establish that unity that we are all talking about? That's happening on one hand, but on the other hand, Mamtaji,
the more serious question that is also facing us today is issues relating to environment and climate crisis. We are not only abusing people and excluding them, but we are also destroying nature, the very nature that sustains our life. To put it in a metaphorical way, we are concretizing our rivers, we're canalizing them. How do we break down these concrete structures? How can we unify our cities? How can we bring these disparate fragments together to once more talk about unity in a different urban development form? That's my question, Mamtaji. It's a very sensitive question and very important question also. And now the global warming is going on. So environment protection is one of the areas where every time we have seen, in last year in my state I have seen 4 cyclones. हमका जितना रुपया है पानी में ही चला गया हम किसान को देते हैं तो नेक्स्ट डे फिर उसका पानी में चला जाता है नेक्स्ट डे हमको पूरा हेल्प करना पड़ता है हम घर बना देता है तो नेक्स्ट डे फिर घर बनाने पड़ते हैं इसी के लिए रुपया भी सब जा रहा है आई टोल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट डे बिकॉज फॉर डेवलपमेंट वर्क आई एम विलिंग टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हूएवर इज द गवर्नमेंट नो प्रॉब्लम स्टेट एंड सेंटर मस्ट वर्क टूगेदर फॉर द डेवलपमेंट पर्पज I told him that when global warming is there and the situation is so worst and environment pollution is also very bad. You have seen the pollution in Delhi also and some other area also. So it is better to set up an experts committee where the important people from environment world and the what you say regarding urbanization and all, if it is may not be uniformity because one state depends on डिफरेंट स्ट्रक्चर अदर स्टेट डिपेंड एंड जो आपको हो गया हो तो आप तोड़ नहीं सकते हैं उसमें तो फिर झगड़ा हो जाएगा गोली चल जाएगा दैट यू कैन नॉट डू बट फॉर फ्यूचर प्लानिंग द एक्सपर्ट्स ग्रुप शुड बी सेट अप टू सी इट यू आर टेलिंग मी अबाउट द अर्बनाइजेशन मैं आपको एक स्टोरी बोलूं मैं गाँव में गया मैं देखा अर्बन एरिया में तो तब भी थोड़ा जाएगा रखता है फायर ब्रिगेड आने के लिए एम्बुलेंस झुकने के लिए रूरल में वो भी नहीं है वो सब घर बना दे रहा है सब पक्का हो गया वो भी सेमी अर्बन से अर्बन हो रहा है गांव का नजर कम आ रहा है हम हमारा स्टेट में देखा कि ज्यादा अर्बनाइज हो रहा है गांव लेकिन गांव में कोई सिस्टम नहीं काम करते थे जो कोई जायगा छोड़ के रखना पड़ता है मोबाइल आने का हॉस्पिटल का वैन आने का अब जाएगा रखना पड़ता है फायर ब्रिगेड घुसने का जाएगा रखने पड़ता है लेकिन वो रास्ता भी नहीं है कोई प्लानिंग नहीं है तो अभी हम लोगों ने प्लानिंग शुरू किया पंचायत डिपार्टमेंट से कि पंचायत सेल्फ हो गया जो मर्जी करते हैं तो किसी को पूछता नहीं है मोर डेंजरस इज कमिंग आउट फ्रॉम द विलेज ऑल्सो सो अभी से इसको केयर लेना जरूरी है बात आपने बढ़िया कहा I am also same opinion with you. Like, जो हो गया उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं. Can you demolish the Mumbai city? You cannot. Can you demolish the oldest Kolkata city? You cannot. Then आपके साथ झगड़ा हो जाएगा बस जो वो काम करने जाओगे तुम मरोगे. इसमें तो अच्छा है for future क्या करना है देखो. इसके लिए एक्सपर्ट्स तैयार करके अभी से काम करना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी एक मिड टर्म पॉलिसी में काम करना है और टी प्लांटेशन ज्यादा करना है हमारा एक दफे चार दफे साइक्लोन हुआ मैं अभी 5 करोड़ मैनग्रोव का पेड़ लगा दिया और मैनग्रोव का पेड़ उसको रुक सकता है तो क्या करे अभी फिर 10 करोड़ हम लगा रहा है सुंदरबन एरिया में एक डीप फॉरेस्ट एरिया है डीप सी एरिया है क्या करें आपको नेचर का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा नेचर को बचाने के लिए नेचर को ही सपोर्ट लेना पड़ेगा ये हम देखते हैं ये सबसे बढ़िया चीज होता है इसको हमको ध्यान में लेना जरूरी है थैंक यू रिचा चड्ढा अनदर फिल्म एक्टर हु हैज रियली पुट हर करियर मेनी टाइम्स एट रिस्क फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ Thank you.
बचे थे। We don't have time. I would just like to give you my compliments and say, I think we are ready for a female prime minister, ma'am. Yes. There are so many female prime minister like Indira ji, Bangladesh Hasina. So there are so many. No, the time is right. I think for some goddess energy. So my compliments to you for that. I, as a person, I feel very unfortunate that I'm young and living through this time where I feel like half of my life has been lived under a regime that directly draws inspiration from the Nazi party. I want to say that I have a few concerns about the way right now jo bhi humne discuss kiya wo desh ki aantrik baatein thi, desh ki internal baatein thi. We must not forget we have a very aggressive neighbor. In the past 2 years, China has moved from Bhutan to Nepal to Ladakh to everywhere. I just hope that we understand the position in which we stand today as a country. If we lose our democracy, we will become another vassal state of this very aggressive neighbor. And I hope that in the near future, whenever the time is right, we can put all differences aside and make a BJP Mukt Bharat. So that we can have a strong government and we can tackle all these issues. That's all I have to say. It's a fact, I agree with you, but only for external affairs minister, for the sake of country. I'm not going to say anything, but BJP Mukta Bharat hone se sab ho jayega. Mamta ji ko aage jana hai, unki ek meeting hai, lekin isliye main bahut maafi maang ke दो एक नाम काटने पे मजबूर हूँ। मैं बहुत कीन था कि वो लोग भी सवाल करें, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे सिर्फ दो लोगों को मैं एंड में बोले। I'm so sorry, it won't be possible. मैं क्या करें? देखिए अभी कितने ग्रेसफुली, प्लीज प्लीज लिसन टू मी। अभी वहाँ कुलकर्णी साहब बैठे हैं, मैंने बहुत उनसे इंसिस्ट किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए शारद जी के साथ मेरे को मीटिंग है, इज़ सो सीनियर मैन, ही विल बी सिटिंग फॉर मी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सिर्फ नाउ ओनली टू स्पीकर्स आर लेफ्ट नाउ। आई एम सॉरी जिनके नाम थे पर नहीं हो पा रहा, आई अपोलोजाइज। एक हेमंत साहब, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से कि कुछ अच्छा। हाँ ठीक, वही मैं आज कर रहा था। तो पहले पवन जी अपना मेहमान साहब बोल दें, उसके बाद दो। ममता जी, सबसे पहले वार्म वेलकम टू मुंबई, एंड नॉट जस्ट वेलकम बट कांग्रेचुलेशंस, एंड वी सैल्यूट यू द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मुंबई एंड एक्टिविस्ट ऑफ मुंबई हु आर ऑल हियर, वेरी क्रीम ऑफ मुंबई सोसाइटी सैल्यूट्स यू फॉर हैविंग सेंट अ मैसेज ऑल थ्रू आउट द कंट्री। ये संदेश आपने भेजा है पिछले चुनाव के बाद कि चाहे माइटी सरकार, टायरेंट सरकार अपनी सारी ताकत, सारा पैसा, सारे मंत्री, सारी एजेंसियां आपके खिलाफ लगा दें, उसके बावजूद भी आप एक एम्फैटिक विक्ट्री आज भी ला सकती। संदेश पूरे देश में जाना चाहिए जो वेस्ट बंगाल से उभरा है। जय महाराष्ट्र, जय बंगला। आपका ये कहना कि लड़ते रहें ताकि हम इस टायरेंट सरकार को हटा पाए, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ममता जी, आई वुड नीड योर काइंड अटेंशन, हैज रिसेंटली कमेंटेड एंड हैज सेड दैट द लॉज दैट हैव बीन ब्रॉट इन द लास्ट 7 years आर नॉट quality laws, and therefore they are creating serious problem not only for the people of India but also for constitutional courts, because there will be a crowd of challenges to law which is consuming our time and we are not able to do justice to other matters. How serious is this one thing? Pichle 7 varshon mein 70 kanun jo pass hue hain, unme se sirf 7 kanun par debate hoke use कभी किस में भेजा गया और उसके बाद रिफाइन होकर उसको पास किया गया, बाकी सारे कानून बहुमत के आधार पर धकेल दिए गए। आई एम अ विटनेस टू दैट, हमने देखा
कि राज्यसभा में भी किस तरह से ये लोगों को कानून को नंबरों के आधार पर धकेल कर हम सब पर झोंक दिए थे. दिस इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर इंडियन सोसाइटी. नंबर टू, जस्टिस चंद्रचूड स्टेटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्रेंड हियर आफ्टर हैविंग हर्ड दिस ग्रीवेंसेस. He has said we must have civil society, must have strength and power to speak truth to power. Now to speak truth to power, त्रिपुरा में दो यंग जर्नलिस्ट को यूएपीए में इसलिए लगा दिया गया कि उन्होंने एंटी माइनॉरिटी राइट्स के बारे में ट्वीट किया. She has rightly pointed out. Some others have also rightly pointed out. Madam Sir, I am very sorry. I made some rude, but this is not done. She has to go. आप स्पीच दे रहे हैं. She is telling me let me speak for 1 minute. और उसके अलावा वो क्या कहेंगी? 1 minute, ma'am. My only request to you is, Kangra, Maharashtra together will lead in Maharashtra. For last 2 years, we have demonstrated that keeping BJP out, there can be a very efficient government. Will run for next 3 years. आप और शरद पवार ये दो ताकतें अगर इकट्ठा हो जाएं, आप दोनों के पास महाराष्ट्र और बंगाल में 90 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें आज 40 सीटें उनके पास है. हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि वी हैव टू रिड्यूस देम टू हाफ और लेस देन दैट. हाउ महाराष्ट्र एंड बंगाल के ठीक ही सेम थिंग कैन बी फॉलोड एज़ वेल. थैंक यू वेरी मच. मैंने तो पहले बोल दिया ना, बंगाल का सब महाराष्ट्र का एक अच्छा रिलेशन है. बेसिकली आई एम गोइंग टू मीट शरद जी, हम अभी जा रहा है. लेकिन कोर्ट का बारे में आपने जो बोला है, कानून का बारे में जो बोला है, ये बात सच है. बहुत सारे इलीगल कानून फोर्सफुली पास करके लिया. इसको पहले इसको देखना है, जितना भी कानून पेश किया है, इसको बाद में जो नया सरकार आएगा वो बीजेपी हटाने का बाद, उसको लॉ टू लॉ देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट परफेक्ट. कौन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा. Now what remains now is to, although I am from her side, but all your behalf too, I would like to thank Mamta ji for being here. Mamta ji, I just want to say that the nichod, the nishkarsh, the essence of this interaction today is that it has given us hope and confidence that we can fight against injustice. We can fight against what is wrong. We can fight against what is unethical, and that if we resolve to do so, no force can keep us back. This is an important principle to learn, because too many people believe that the powers that we have to oppose are invincible, and they are not. The right to freedom of speech and expression, the right to dissent, human dignity, democratic rights, these are as important as right to life, literally. And we have to fight for them. Even otherwise, some powers are very, very happy quoting our ancient past. Let them know that the Mahavakya of the Rig Veda was Ekam Sat Vipraha Bahudha Vadanti. The truth is one. Wise people call it by different names. That is the ethos of this civilization, and that is what we will seek to preserve. Thank you so much. अरे हमारा, हम जावेद जी, मेमन जी, हमारा पवन जी, महेश भाट जी, सब जितना भी आप लोग जाने माने पहचान आप लोगों ने है, हम माइक सैल्यूट करते हैं, महाराष्ट्र को सैल्यूट करते हैं. हम आप लोगों के पास बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमको दो चार बात कहने का मौका दिया. आप लोगों ने भी कहा, मैंने भी सुना. मेरे को अंतिम में कहना कुछ नहीं है. मैं चाहती हूँ कि लेट अस टॉक लेस वॉक मोर, मीन्स यूनिटी. वी हैव टू डू द यूनिटी. लेट अस स्पीक विथ यूनिटी, लेट अस थिंक विथ यूनिटी, लेट अस गिव जस्टिस टू द पीपुल, लेट अस फाइट फॉर द पीपुल, लेट अस फाइट फॉर द कंट्री, लेट अस सेव आवर कंट्री, लेट अस सेव आवर डेमोक्रेसी. एंड फॉर दैट रीजन माई लास्ट वर्ड विल बी Unity in our strength and divide is fall. Unity in diversity is our origin. So let us say, Janagana Manayadi Nayako Jayohe Bharato Bhakko Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravido Utpalabango. Jai Maharashtra, Jai Bengal.
जय भारत. थैंक यू वेरी मच.